आज का पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों पाइप एंड टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पाइप एंड टैंक का। एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अधिकतर मतलब ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या है आज का पहला नंबर। दोस्तों आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन में जितने ताम और झाम दिखाते हैं ना उसमें उतना दम रहता नहीं है, बस एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड कर देता है, डरा देता है स्टूडेंट को, पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन मेरा फेवरेट होता है। देखिए क्या कह रहा है, एक हाउस में दो नल लगे हुए हैं। एक हाउस है, हाउस के मतलब आप समझिए एक टंकी। तो एक टंकी में दो नल लगे हुए है। पहला टंकी का काम क्या है, तो एक नल जो है हाउस को 30 मिनट में भरता है। चलिए एक बात पहले आओ, भरने की बात बोले तो वो प्लस से इंडिकेट करते हैं, और खाली करने की बात करे तो वो माइनस से हम लोग दिखाते हैं। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन में इसका यूज आते रहता है। आगे बोला है 30 मिनट में भरता है। मान लिया जाए एक टंकी का जो नल है उसे हम ए बोलते हैं, और ये 30 मिनट में भरता, भरने की बात बोली है ना, तो भरने के लिए हम प्लस बोले हैं, तो ये 30 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा, यहां तक तो मेरा हो गया। आगे चलते हैं, दूसरे नल की बात की जा रही है। उस हाउस को यानी कि उसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। तो देखिए मानते हैं दूसरा नल भी है, तो ये क्या करता है 40 मिनट में ये खाली कर देता है। ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, तो खाली करने के लिए हम क्या बोले माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, तो अब बोला है अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हाउस को भरने में समय कितना लगेगा। और इधर ऑप्शन दिया हुआ है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, आप देख लीजिए एक बार। चलिए अब तक आपका आंसर आ भी गया होगा, एक बार मिला लीजिए। फिर भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा हम एक फॉर्मूला बताते हैं, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। ये हमेशा हम आपको बताते रहते हैं, हर क्वेश्चन में लिख देते हैं एक्स वाई यानी कि x गुना y बटा x प्लस y। बस इस फॉर्मूला पे मान पुट कर देना है, x के जगह a का मान, y के जगह b का मान रखना। तो x के जगह a का मान हो गया 30, और ये गुना माइनस हो जाएगा ये 40, और x फिर से लिखेंगे तो ये 30 प्लस माइनस 40। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 30 गुना 40, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा 30 माइनस 40। ठीक है, अब दोस्तों 40 में से 30 जाएगा तो ये माइनस 10 आएगा, यानी कि माइनस इसको भी हम सॉल्व कर ही देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 ये 00, और ये माइनस में 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, आपका क्या आया 120 मिनट। लेकिन 120 मिनट दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि घंटा में बदल दिया, मिनट को घंटा में बदल दीजिए। तो देख आप ऐसे भी जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 आवर, तो 120 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 2 आवर हो जाएगा, और नहीं तो छोड़िए हटाइए, 60 से भागा सिर्फ दे दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 0 0 खत्म हो जाएगा, 6 2 12 यानी कि 2 आवर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इस ये तो समझाने के लिए हम इतना किए हैं, इसलिए इतना लंबा गया, लेकिन आपको कुछ करना नहीं, आप सीधे आप जानते हैं कि भरने वाला प्लस है खाली करने वाला माइनस है, फॉर्मूला आपके दिमाग में है, बस मान को सिर्फ पुट करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, इतना लंबा लिफाफा नहीं करना, ये समझाने के लिए हम लिख दिए थे। तो आप जान रहे हैं कि 30 मिनट भर रहा है तो ये 30 हो जाएगा, और खाली कम कर रहा है 40 मिनट यानी खाली कर रहा है माइनस 40 हो जाएगा, और ये 30 प्लस माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 12 00, और ये प्लस माइनस माइनस हो बन जाता है, और 40 में से 30 गया तो माइनस 10 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, 120 मिनट हो गया। इसको 60 से भाग दीजिएगा तो ये आवर में बदल जाएगा, ये फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं कितना छोटा से बन रहा, आसानी से बना सकते हैं आप इसी टाइप पर। मात्र एक क्वेश्चन ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या दिया हुआ है, एक हाउस में
दो नल लगे हैं जिसमें एक नल हौज को 20 मिनट में भरता है। आपकी बार 20 मिनट में भर रहा है और मानते हैं हौज ए है, ए मान लेते हैं पहला नल को, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं, ये यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आगे बोलता है तथा दूसरा नल उस हौज को यानी उस टंकी को 60 मिनट में भरता है। दूसरा नल को हम बी मानते हैं, ये 60 मिनट में भर रहा है। देखिए इसमें प्लस माइनस का झमेला ही नहीं है क्योंकि दोनों भर रहा है, भरने वाला प्लस होता है तो दोनों भरने वाला प्लस है। ये 60 भी आपका प्लस में हो जाएगा, 20 प्लस भी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम बोले थे एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, बस मान पुट कर दीजिए तो ये 20 एक्स के जगह ए का मान रखेंगे और वाई के जगह बी का मान ये 60 और नीचे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। जीरो से जीरो आपका खत्म हो जाएगा, चार से काटिए ये 5 हो जाएगा, 5 और 20 है ये 4 2 8 होता है, ये 3 आपका कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है। तो आप इसे बस सारा चीज कट गया, बस 5 और 3 बचा हुआ है, इसे आप गुना कीजिएगा तो ये आपका 15 मिनट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन क्या है, मनोरंजन। देखिए कार किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है आपका, उसी प्रकार टीवी किससे चलेगा, टीवी मनोरंजन से चलेगा, मनोरंजन टीवी पर किया जाता है, चलता नहीं है, एंटीना से भी नहीं चलेगा क्योंकि एंटीना, देखिए एंटीना का काम क्या है, कोई भी पिक्चर को क्लीन करना, अगर वो धुंधला दिख रहा है या फिर नहीं फोटो आ रहा है तो एंटीना का काम है वो पिक्चर को क्लीन करना। हम लोग दोस्तों जब आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोग के समय में ये कुछ इस टाइप का एंटीना आता था, अब तो डीटीएच उटीएच चल गया है, पैसा वैसा चल गया, पहले पैसा वैसा नहीं चलता था, इस टाइप का एंटीना आता था, इसमें एक डंडा लगा हुआ था और एगो हिलाने वाला रहता था, एगो टीवी पे खड़ा रहता था, एगो सीढ़ी पर खड़ा रहता था, ऊपर हिलाता था पूछता आया फोटो, तो हम लोग बोलते थे नहीं, अगर आता था तो चिल्लाने लगते हाँ बस 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 आ गया। तो दोस्तों देखिए यही एंटीना का काम है, नीचे टीवी पर एक बूस्टर लगा हुआ रहता, पहले के समय में बहुत मजा आता था ये सब करने में, लेकिन अब ये सब तो समय नहीं, अब पैसा वाला आ गया या फिर डीटीएच वाला आ गया, अब तो छतरी वाला आ गया एंटीना। चलिए तो एंटीना का काम क्या है, पिक्चर को क्लीन करना, प्रसरण, प्रसरण का मतलब इसका मतलब भी कुछ नहीं होगा, ये चल किससे रहा, जिससे जिस टाइप से कार चल रहा है पेट्रोल से, आप आंसर बता दिए होंगे लेकिन मैं फिर भी आप क्लियर कर रहा हूँ, तो ये विद्युत से चलेगा यानी कि इलेक्ट्रिक बिजली से चलेगा, अगर बिजली दीजिएगा एंटीना नहीं भी रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा धुंधला 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 ये मच टाइप को जो दिखता है ऐसे रहेगा, लेकिन इसमें ऑन रहेगा, टीवी ऑन हो जाएगा लेकिन ऐसे धुंधला 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 दिखेगा, तो ये विद्युत रहेगा तभी तो चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन, कथन एवं निष्कर्ष से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कथन एवं निष्कर्ष वाले जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। पहले कथन और निष्कर्ष में क्या होता है, कथन से किस टाइप का डायग्राम बनता है पहले उसे हम ड्रॉ करते हैं, इसके बाद उस डायग्राम के माध्यम से ही निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं यानी कि इसको सॉल्व करते हैं कि पहला सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। तो चलिए डायग्राम को पहले हम लोग बना लेते हैं। कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स है, बोला गया है कुछ इलेक्ट्रीशियंस जो भाई है वो प्लम्बर्स है, चलिए ठीक है। तो ये पहले हम जो ये सर्किल बना रहे हैं, एक क्या चीज का बना रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रीशियन का बना रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन बोला तो इलेक्ट्रीशियन का बना रहे हैं। इसके बाद बोला ये प्लम्बर्स है यानी कि कुछ इलेक्ट्रीशियन, ये मान लिया जाए ये 10 इलेक्ट्रीशियन है जिसमें 2-3 जो है प्लम्बर्स भी है, तो इसका कुछ पार्ट ही बोला है ना, तो कुछ ही पार्ट ही दिखाएंगे, ज्यादा दिखाने से क्या फायदा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ बोला तो इसका कुछ पार्ट आ जाएगा, देखिए कुछ पार्ट आ रहा है ना इलेक्ट्रीशियन का, ये कुछ पार्ट देखिए आ गया इसके अंदर, तो ये क्या कर रहा प्लम्बर है, तो प्लम्बर को हम पी से डिनोट कर देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद सभी प्लम्बर्स, देखिए ये जो घेरा जो दिख रहा है प्लम्बर्स का, ये कह रहा सभी प्लम्बर्स मैकेनिक्स है यानी कि मैकेनिक्स, अब की बार ये ऊपर आ जाएगा प्लम्बर्स के, ठीक है, और मैकेनिक्स को हम क्या से डिनोट करते हैं, एम से डिनोट कर देते हैं। चलिए अब देखिए ये डायग्राम बन गया, अब निष्कर्ष आपका 2 दिया हुआ है, अब क्या बोल रहा है निष्कर्ष, बारी बारी से पढ़िएगा।
कुछ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स कहाँ गया आपका, ये मैकेनिक्स ये है बाहर वाला लाइन है मैकेनिक्स, ये कह रहा है कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन है, ये इलेक्ट्रीशियन का सर्किल है और मैकेनिक्स का देखिए कुछ पार्ट आ रहा है इसमें, तो ये कुछ तो आ ही रहा है, तो ये तो सही हो गया, लेकिन आगे इसमें और है, यह प्लम्बर्स है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा बढ़िया से, थोड़ा सा समझने वाली बात है, कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि मैकेनिक्स का कुछ पार्ट इलेक्ट्रीशियन में आ गया, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ दे, या प्लम्बर्स है, ठीक है, तो या प्लम्बर्स है, तो कुछ मैकेनिक्स, देखिए अगर बोलता नहीं ये बाहर वाला जो पार्ट रहता है, ये हमेशा हम बोलते हैं, अगर बाहर वाला पार्ट में अगर कुछ के जगह अगर सभी बोल देता, सभी मैकेनिक्स प्लम्बर्स है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ये कभी सही नहीं होगा, जब सभी लगा ले रहेगा यहाँ पे तो ये कभी सही नहीं कीजिएगा, ये गलत होगा। अगर कुछ बोलेगा बाहर से अंदर वाले डायग्राम के बारे में बोलेगा कुछ, तब वो सही हो जाता, तो यहाँ कुछ का प्रयोग किया है तो ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए सेकेंड नंबर निष्कर्ष में क्या बोला, सभी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन का बॉक्स हमारा ये दिख रहा है, ये जो सभी इलेक्ट्रीशियन बोला है, ये सभी इलेक्ट्रीशियन क्या बोला है, मैकेनिक्स नहीं है, नहीं का प्रयोग कर रहा है, तो ये बिल्कुल तो सही बोल रहा है, क्योंकि मैकेनिक्स का कुछ पार्ट में जा रहा है, ये सभी में नहीं जा रहा, तो कुछ पार्ट में जा रहा है, तो ये कह रहा है साफ साफ कि सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। इसका इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होगा।